अगर हम बात करें आज के मार्केट की, आज के ट्रेंड की, तो भाई साल में ना अनगिनत फोन लॉन्च होते हैं, इतने कि आप काउंट नहीं कर सकते कौन कौन सी कंपनी कितने फोन लॉन्च करती है, मतलब इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि साल में एक्सक्लूसिव फोन लॉन्च करती है, और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वन प्लस सेवन या वन प्लस सेवन प्रो की, जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे फैन ऐसे होंगे जिनको ये फोन लेना होगा और उनको शायद मतलब बहुत ईगरनेस होगी कि भाई क्या आने वाला है, ऐसा कि हम प्लानिंग करें उस फोन के लिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन सारे स्पेक्स की, देखते रहिए। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। देखिए, जो सबसे बड़ा रूमर आ रहा है, सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अब ये फोन पूरा ही पूरा बेजललेस होने वाला है। वन प्लस 60 जो इसका पिछला मॉडल था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉच ड्रॉप था, अब वो भी हटा दिया गया और उसकी जगह यहाँ पे आ रहा है पॉपअप कैमरा। पॉपअप कैमरा भी पिछले कुछ सालों में फेमस हुआ है और काफ़ी कंपनीज इसकी तरफ मूव कर रही है। वही चीज़ आपको यहाँ पे वन प्लस सेवन प्रो के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले वन प्लस सेवन प्रो की। वन प्लस सेवन लॉन्च होगा लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वन प्लस सेवन प्रो में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो मेन इंटरेस्ट है वो भी वन प्लस सेवन प्रो में होगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा 6.67 का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पे जो पीपीआई मिलेगा वो भी कमाल की मिलेगी, जो कि है 516। मतलब बात करें डिस्प्ले की, तो यार डिस्प्ले में ये फोन बिल्कुल किलर आने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल आपको 4K टाइप डिस्प्ले मिलेगा, बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर। मतलब इसमें आप पायरेटेड मूवी भी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा फुल एचडी में देख रहे हो, जोक था, लेकिन हाँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड पाई का, जो कि बेस्ड होगा इसके कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन ओएस के ऊपर, और इसके साथ यहाँ पे आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, कुछ नए एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे बात करें हम इसके प्रोसेसर की, जो कि इसकी जान है फोन की, तो वो यहाँ पे मिलने वाला है आपको स्नैपड्रैगन का 855 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और जीपीयू मिलने वाला है 640 एड्रेनो का। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये यहाँ पे बहुत कमाल का होने वाला है। ये जीपीयू, ये प्रोसेसर मतलब सफिशियंट है आज के में किसी भी एप्लीकेशन को फुल क्वालिटी मोड में चलाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे जो स्पेक्स मिलने वाले हैं आपको काफी पावरफुल है, और ये आपके फोन के अंदर ऑसम परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर रैम रोम की, मतलब इसके मेमोरी की, स्टोरेज की, तो भाई यहाँ पे जो लीक्स निकल के आई है वो तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको 6GB का रैम, 8GB का और 12GB का रैम देखने को मिलेगा। उसके साथ ही रोम मतलब जो स्टोरेज है वो यहाँ पे आपको 128 और 256GB का देखने को मिलेगा। मतलब रैम रोम का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप स्पेस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको इतने सारे वर्जन मिल रहे हैं, मेमोरी बढ़ा के मिल रही है आपको 256, काफ़ी है यार, क्या बनाओगे उसको। उसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो स्टोरेज मिल रहा है वो आपको टिपिकल पुराने ज़माने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको UFS 3.0 मिलेगा। कैमरा भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे रियर में आपको 3 कैमरे मिलने की उम्मीद है। मतलब अभी तक आपने देखा होगा 2 कैमरे आते थे, लेकिन अब यहाँ पे सारी कंपनीज लगभग, क्योंकि आने वाले टाइम में एप्पल के भी ऐसे रूमर्स है कि वो भी 3 कैमरे पे आ रहा है, लेकिन वन प्लस का ये श्योर हो चुका है कि वन प्लस सेवन प्रो यहाँ पे 3 कैमरों के साथ आएगा रियर में, और सिंगल कैमरे के साथ जो कि पॉपअप कैमरा हो सकता है फ्रंट में। तो यहाँ पे अगर बात करें रियर कैमरे को और डिफाइन करें, तो यहाँ पे जब 3 कैमरे मिलेंगे वो मिलेंगे आपको, एक 48MP का होगा, एक होगा भी आपका 16MP का, एक होगा 8MP का। और यहाँ पे वन प्लस ने रिसेंटली कुछ फोटोज लॉन्च किए हैं अपने वन प्लस सेवन प्रो के कैमरे की, और जो क्वालिटी है मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल है, कमाल की है, बिल्कुल सब कुछ DSLR सुपर जूम वगैरह सब कुछ फेल है। तो भैया वो रियलिटी में देखने को मिलेगा कि ऐसी क्या कमाल की चीज़ है, लेकिन फिलहाल जो सेंसर है इसमें सोनी के यूज़ हुए हैं, अपर्चर भी काफ़ी अच्छा है, तीनों के अलग अलग अपर्चर है, वाइड एंगल है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक फ़ोटो बनाता है, और वो बिल्कुल कटीली कंटास्ट क्वालिटी की फ़ोटो देता है आपको। बात करें फ़ोन के फ्रंट कैमरे की, तो 16MP का यहाँ पे भी आपको सोनी का कैमरा मिल जाएगा, जो कि सेल्फी कैमरा होगा, जो कि पॉपअप कैमरा हो सकता है। उसके बाद बात करें इस पूरे यंत्र को चलाने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको पावर हाउस मिल जाता है, बैटरी बैकअप 4000mAh का काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सुपर क्वालिटी की यूज़ हुई हैं, तो यहाँ पे बैटरी का कंजप्शन जो है बहुत लिमिटेड तरीके से होगा, तो यहाँ पे अच्छा बैकअप देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे भाई रैम रोम हो गया, कैमरा हो गया, बैटरी हो गई, उसके बाद सेंसर। तो भैया जब आप वन प्लस की बात कर रहे हो, प्रीमियम फ़ोन की बात कर रहे हो, तो सेंसर तो सब कुछ मिलेगा। एड ऑन यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आपको NFC टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है इस फ़ोन के अंदर। वैसे NFC कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन हाँ फ़ोन के अंदर देना अब जरूरी हो गया, क्योंकि जो पेमेंट वगैरह होती है वहाँ पे NFC का काफ़ी अच्छा काम आता है। उसके बाद के लिए इन सारी चीज़ों की भैया कितने का है, क्योंकि अपने इंडिया पे अल्टीमेटली क्वेश्चन ये आता है कि कितने का है, क्योंकि चीज़ तो एक से एक है, लेकिन कितने का है वो डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर और आपकी विल के ऊपर।
तो यहाँ पे भैया कितने का है? तो ये स्टार्ट हो सकता है 49,000, मतलब 50,000 से चालू होगा। मतलब एक टाइम था यार जब वन प्लस 25-26,000 से चालू होता था, आज देखो कहाँ पहुँच गया है टाइम, 50,000 से शुरुआत हो रही है वन प्लस 7 प्रो की। तो ये थे यहाँ पे सुपर लीक जो कि बिल्कुल कंफर्म है, और यहाँ पे मतलब हर जगह से रिसर्च करके पता किया कि हाँ ये चीज़ें तो लगभग आने वाली है फ़ोन के अंदर। तो देखते हैं क्या आता है फ़ोन के अंदर। तब तक आप ये वीडियो देख के खुश रहो, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।